Welcome all my single, young, unmarried loves. How are you? Welcome to the Blessings channel. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound, my loves. So, आज की जो reading है उसका topic है unmarried special, single special. So, yeah, probably this could be your last single reading. Positive, stay positive and stay grounded. Okay, choose your pile. आपके birth month है pile number 1 and pile number 2. I will see you on your reading. आपके timestamps जिसके love pile number 1. तो let's see messages for you all unmarried या single people. लेट्स सी व्हाट इज फॉर यू. आपके लिए क्या एनर्जी है नेक्स्ट फ्यूचर में. ओके सन, बहुत ही पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव मोस्ट कार्ड पूरे डेक में. 9 ऑफ वंस, 6 ऑफ कप्स. पाइल नंबर 1, सबसे पहला आपको ये मैसेज है कि नो मैटर पास्ट में आप सिंगल हैं. आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि यंगर सिंस बर्थ सिंगल ही हैं. आई कैन फील योर एनर्जी. या फिर आप अपने पास्ट लवर या एक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. यू वांट देम सो बैड एंड इस तरह की चीज़ें हैं. ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे कि ठीक है वो आपको छोड़ के चला गया था, या आप मतलब सिंगल हैं, या इस तरह की आपकी जो भी फीलिंग है इस टाइप की. आपको यूनिवर्स पर विश्वास जो है ना वो नहीं ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए. बिकॉज यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स वो आपके तरफ है. यूनिवर्स आपको कह रही है कि डू नॉट गिव अप. आप गिव अप नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट. ओके, आप गिव अप नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कारण है कि आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो. आपको इतना नहीं पता, आपको बल्कि कुछ भी नहीं पता. आपको अभी जो करंट जो आपकी एनर्जी है उस पर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते रहते हो, और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है जब आपको डिज़ायर्ड आउटकम जल्दी नहीं मिलती. इतनी जल्दी मत डालें, लेकिन आपके फ्यूचर में ज़रूर एक हैप्पी आउटकम है. दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी. और आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में जिसे कहते हैं ना औलाद, वो भी है. ठीक है, ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखें, यूनिवर्स पर कॉन्फिडेंस रखें, गॉड पे कॉन्फिडेंस रखें. ये आपको कहना चाह रहे हैं देयर यूनिवर्स. नाइट ऑफ एयर, देखो बात यह है कि अब जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि पहले स्टैग्नेशन थी, मतलब रुकावट थी. मैं आई कैन सी ऑलरेडी कि काफ़ी आपने झेला है अकेले में. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. गॉड नोज़ दैट, गॉड को पता है. गॉड को पता है कि अब बहुत डिले कराया है इसको, मैंने बहुत वेट कराया है, लेकिन अब डिलेज ख़त्म है. नाइट ऑफ ईयर, एक न्यू एंजल, एंजल ऑफ एक्शन, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेजा जा रहा है. ये जो एंजल ऑफ एक्शन है, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके पार्टनर की तरफ डायरेक्ट करने में, मतलब उसकी तरफ आपको भेजने में, उसको आपकी तरफ या इस मतलब आपको उसकी तरफ भेजने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके गाइस, लवर्स एनर्जी. गाइस हो सकता है आपको आपकी सच्ची मोहब्बत आगे मिलेगी, बल्कि बहुत चांसेस है. बहुत हाई एनर्जी है, हाई लव है, ट्रू लव आपका. आपको ट्रू लव नहीं मिला, आपको इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं मिला, आपको जो भी पास था, या आप बिल्कुल ही शुरू से सिंगल हो. मैं मुझे बहुत ऐसे फील आ रही है कि एज इफ आप शुरू से ही सिंगल हैं और आपको कभी भी कोई पार्टनर, ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते, या आप ठीक है ऑप्शंस रहे भी होंगे, बट यू नेवर गिव अ डैम टू देम. मतलब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब आप
फेक शैलो रिलेशनशिप में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे हो. वो लोग जो भी थे देवर ऑल ओनली ऑफरिंग मतलब फेक रिलेशनशिप, हॉलो रिलेशनशिप जिसकी कोई फ्यूचर नहीं. ठीक है, तो आपको लाइफ में यू सी हियर योर सन कार्ड, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक. सन एंड लवर्स, आपको आपकी मोहब्बत मिलने लगी है, मिलने वाली है. यू कैन सी 6 वीक्स से 19 वीक्स या 6 मंथ तक काफ़ी हद तक आपके जो है किस्मत खुली हुई है, आपका भाग्य खुला हुआ है. आप अपने ट्रू लव सोलमेट से भी मिल सकते हैं प्रोबेबली. यू सी बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी. देखो सच्ची मोहब्बत से आपने जो दिल चुरा लिया है ना, आपको लगता है जो सच्ची मोहब्बत अब एग्जिस्ट नहीं करती आजकल के दौर में, ऐसा सोचना पाप है, ऐसा सोचना गुनाह है. बिकॉज एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, अगर वो आपको नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती. राइट, सो दिस इज़ थिंग कि आपके माइंड में ऐसी चीज़ मोहब्बत को लेकर के या लोगों के पास्ट बिहेवियर को देख कर के लेकर के आपके माइंड में क्या कहते हैं उसको, शक बैठ चुका हुआ है, विच इज़ नॉट गुड. ठीक है, यूनिवर्स आपको न्यू लव देना चाहता है. सो फर्स्ट आप कुछ नया काम शुरू करने लगे हैं, नया प्रोजेक्ट आपके बिजनेस वगैरह में. आई कैन सी अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको करें, आपको लाइफ में काफ़ी उसमें सफलता मिलेगी. जो न्यू प्रोजेक्ट आपने आपके माइंड में कोई है डिग्री का या कुछ भी, ठीक है. और आई थिंक आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने पड़ सकते हैं इन नियर फ्यूचर. दिस कैन बी सिग्नेचर ऑन द मैरिज सर्टिफिकेट एज वेल. ओके, सो 7 of cups, यस, कॉम्प्लेक्स डिसीजन है आपके लिए. आई कैन अंडरस्टैंड जो आपके साथ हुआ है या जितना आप प्रोटेक्टिव हो अपने लिए, आपके लिए आसान नहीं है किसी को अपनी लाइफ में आने देना. ठीक है, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो ओवर थिंकिंग में. ठीक है, आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन कुछ कर नहीं सकते हैं आपके लिए, डिवाइन आपको प्यार नहीं करते हैं. ठीक है, आपके लिए अबंडेंस है. और दिस इज़ योर एब्सोल्युटली लास्ट सिंगल रीडिंग, और आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत एक रिन्यूअल आपके रिलेशनशिप में आने वाला है. या तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं अगर, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन, क्योंकि लवर्स एनर्जी है, हैप्पी आउटकम सन एनर्जी है, और यहाँ पर रिन्यूअल भी है. तो आई थिंक आपको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए और आपको मूव इन करना चाहिए, मतलब इनके साथ एब्सोल्युटली सेफ, ये पर्सन सेफ है आपके लिए. यस, 8 of cups, आई न्यू ए वेरी वेरी फास्ट एनर्जी ग्रुप वन, यूनिवर्स बहुत अब जल्दी में है आपको आपका पार्टनर देने के लिए, क्योंकि डिले बहुत हो चुका हुआ है. आई डोंट नो व्हाई, क्या डिले है आपकी, एज हो गई है, या आप एक ऐसे वर्ज पे हो, एक ऐसे क्या उसे कहते हैं, ऐसे किनारे पर हो आपके जहाँ से अब वापस जाना मुमकिन नहीं है, या बहुत ही एक ऐसी हद पर हो कि अब लिमिट क्रॉस हुई तो आपका नुकसान हो जाएगा, जो यूनिवर्स नहीं जाता. ठीक है, तो यूनिवर्स इज़ रेडी to give you justice. You see justice? Universe आपके लिए fair बहुत अच्छा partner ढूँढे रखे हैं, आपको justice भी देगा, आप जैसे आप life deserve करते हो. देखो, चाहने में और deserve करने में difference होता है. हम अक्सर वो चीज़ें चाह लेते हैं जो कि हमारे लिए हम deserving नहीं होते. ठीक है, फिर जब वो चीज़ें नहीं मिलती फिर हम रोने लगते हैं, that is not right. यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जस्टिस, आपको मैं वो लड़का या लड़की दूंगा कि जो आप डिज़र्व करते हो. आपके चाहत ना चाहत से यूनिवर्स को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही इनोसेंट से चाइल्ड हो. यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप स्पॉइल हो जाओ किसी के हाथों में. ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है, यूनिवर्स चाहते हैं, गॉड चाहते हैं कि आपको पूरी दुनिया दें,
आप तो एक इंसान के पीछे रो रहे हो ना, मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। यूनिवर्स तो आपको चाहते हैं कि आपको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिले, इतना कि आप ग्रेटफुल हो जाओ। ग्रैटिट्यूड, आप ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, प्लीज़ पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। आप कमेंट सेक्शन में कोई अफर्मेशन लिखे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, कुछ भी, बिकॉज बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और आप इस रीडिंग को लाइक भी कर सकते हो ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचे। अगर आप लाइक कर दोगे तो फिर यू नो और यूट्यूब को फिर ईजी होता है और लोगों तक पहुँचाने में जिनको इस मैसेज की ज़रूरत है। लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी शादी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा, सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल, ठीक है। तो इट्स टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। शादी करने से कोई डर रहा है? यहाँ पे येलो येलो कपड़े हैं आपके, येलो ग्रीन मिक्स, आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होना है, कुछ नहीं होता, ठीक है। सारी दुनिया शादी ही करे बैठी है ऑलमोस्ट, सो डरो मत। ओके माय लव, शादी के बाद की शादी कार्ड इज हेयर 11-11। अगेन यू नीड टू राइट द फॉर्मेशन 11-11। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, लाइक दिस रीडिंग, ओह माय गॉड, मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, क्लेम दिस रीडिंग, बहुत सारी खुशियाँ हैं ग्रुप, और आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। शायद ही कोई कार्ड बचाओ खुशी का डेक में, यहाँ पे सारी खुशियाँ समेट रहे हैं आप, सारी खुशियाँ, और वर्ल्ड लेवल की खुशियाँ हैं ये, वर्ल्ड लेवल की। ओह माय गॉड, पार्ट नंबर वन, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। यू नो व्हाट, अब क्या कुछ खबरी है नहीं, करियर अचीवमेंट, वर्ल्ड वाइड फेम, वर्ल्ड कार्ड आया ना, वर्ल्ड वाइड फेम। अगर आप कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टिंग, मॉडलिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कुछ इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं ना, एक तो परफेक्ट टाइम है और दूसरा आपकी भाग्य में है, आपको बस थोड़ा सा इनपुट डालना है और डरना नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ अर्थ, ओ माय गॉड, आपके किंग भी आ गए हैं, दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिच, यस, मटीरियली रिच और सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी किस्म का बिजनेस हो सकता है इनकी, हो सकता है एग्रीकल्चर में कोई ज़मीनें हो, रियल इस्टेट, या आयरन का कोई, रॉट आयरन, इस तरह के कोई फर्नीचर, आई डोंट नो स्टॉक्स, आई डोंट नो, कुछ इस तरह का, बहुत काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस मैन है ये, रिलायबल है, बैलेंस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं आपके ग्रुप नंबर वन, आई एम सो सो हैप्पी फॉर यू, सो सो हैप्पी फॉर यू, आई विश यू गुड लक। और मैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आई एम सीइंग के बस आपको पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आई वॉन्ट टू सी सम एट्रीब्यूट्स इनके, टू सी सम एट्रीब्यूट्स एंड ऑफ योर पर्सन। ओके गाइस, इंजीनियर, ब्रोकन हार्ट हो सकता है इनका, दिल टूटा हुआ, यहाँ आपकी एनर्जी भी हो सकती है, सेंसिटिव, डोंट बी सेंसिटिव, ठीक है, आप भी सेंसिटिव मत हो, और मे बी वो सेंसिटिव है, हैंडसम, ठीक है, यहाँ लड़की हैं तो ब्यूटीफुल, एंड ऑनलाइन भी आप लोग ऑनलाइन मिले हो, सिल्की हेयर, वाओ, हेल्प, आई थिंक कोई हेल्प चाहिए हो इनको आपसे, इस तरह से कोई मुलाकात यूनिवर्स करवाएं आपकी, हार्ट, इंजीनियर, इंजीनियर दो दफ़ा आए गाइस, इंजीनियरिंग, तो आई थिंक इंजीनियरिंग में भी पेट्रोलियम, इस टाइप की कोई इंजीनियरिंग करते हो, एक्सट्रैक्शन कोई, ये जो होती है मिनरल एक्सट्रैक्शन, इस टाइप की। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ इज डैम इम्पॉर्टेंट फॉर यू, पार्ट नंबर वन। बैंक में कोई जॉब करते हो, मुझे नहीं पता, स्विट्ज़रलैंड, आई एम सॉरी, मैरिज इज़ ऑन कार्ड,
क्या बोला मैंने आपको, आपके बहुत बहुत ज़्यादा पाइल वन में जो लोग हैं ना, बहुत एनर्जी है आपके पास आसपास, अदर कंट्री, फॉरनर, बॉस। ओ माय गॉड, 2222 डिवाइन यूनियन एंजल नंबर। अगेन राइट दिस एंजल नंबर इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट एनी अफर्मेशन, कोई लिखें आप जैसे आई एम विद माई सोलमेट, आई एम विद माई फ्यूचर स्पाउस, आई क्लेम दिस पर्सन, इस टाइप का अगर इफ यू वॉन्ट टू। डॉक्टर, डिनर, आई डोंट नो किस तरह से आपसे रेजोनेट करेंगी चीज़ें। जुलाई नेक्स्ट मंथ आया था ना, जुलाई का है नेक्स्ट मंथ ही। अप्रैल, फेसबुक, डॉटर, पेरिस, बिग लग्जरी कार, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, टैंड स्किन, थोड़ी सा उनका कम्प्लेक्शन ढला हुआ हो सकता है। डेटिंग है, बहुत ऑनलाइन वाइब्स आ रही हैं गाइस, ऑनलाइन। पार्क में हो सकता है मिलना हो। एल्डेस्ट अमंग सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो सकते हैं ये। ओके, तो हम आगे चलेंगे। नेम इनिशियल इनके हम देख लेते हैं, थोड़े ही निकालूंगी सो दैट एक स्पेसिफिकेशन रहे। पी ए जे, पंकज करके कोई हो सकता है नाम इनका। एम वाई माए, यू बी यू एस, बस से कोई कनेक्शन हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी किसी सबवे वगैरह में या बस स्टेशन। एच क्यू, किसी जगह के हेडक्वार्टर में आप लोग मिल सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर या किसी भी यू नो चीज़ के। वाई, ओके ये तो बन गया माई वी। ऑलराइट गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो हेलो, वेलकम पाइल नंबर टू, वेलकम पाइल नंबर टू। तो ऑल माय सिंगल बटरफ्लाइज, अनमैरिड बटरफ्लाइज, सो देखने लगे हैं कि क्या एनर्जी है आपके आसपास, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी अराउंड यू। ओ माय गॉश, डिड यू सी दिस यूनिटी कार्ड, देखते यूनिटी कार्ड, ओ माय गॉश दिस इज इनसेन। एनीवेज आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ अर्थ, अमेजिंग व्हील, ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, माय लवली एंजल। आपके लिए सबसे पहले यूनिवर्स का मैसेज है कि आप बहुत जल्द यूनिटी में आने वाले हैं अपने पर्सन के साथ। हु इज लाइक 10 ऑफ अर्थ, अ हैप्पी फैमिली। आपको ना सिर्फ आपका पर्सन एक अच्छा इंसान है, बल्कि आपको आपका जो परिवार है, जो आपकी है फैमिली है, मतलब ससुराल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव पर्सन्स। और दूसरी चीज़ है कि व्हील, किस्मत है भाई आपकी, वाह यहाँ पे किस्मत है, आपकी लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड, जब फॉर्चून ही आपके साइड पर है, भाग्य ही, किस्मत, डेस्टिनी ही आपके तरफ है, तो फिर आपको कौन हराएगा। मुझे तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना आपकी आते कार्ड्स में, बिकॉज एक तो दो मेजर आर्काना आ गए हैं, 10 नंबर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5वां महीना मई का और 10 मंथ मतलब अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो दफ़ा 10 आए, अक्टूबर कमिंग, अक्टूबर
हेल्थ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको मैं ऐसे देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर टू के एज इफ आपका जो सिंगल है ना स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, वो अब सिंगल नहीं रहने वाला। और कि ये ना तो किस आपका कमाल है, ना ये मेरा कमाल है, ना ये आपके पेरेंट्स का कमाल है, ना ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डेस्टिनी है। वो कहते ना कि जब वक्त आ जाता है तो आ जाता है, आपका वक्त आ गया है, डिवाइन टाइम भी जिसको बोलते हैं। तो यस, दिस इज़ द करिश्मा ऑफ डिवाइन टाइम मिरेकल। यस वाटर, यस न्यू लव, ओके, एक न्यू प्रपोजल, न्यू लव आपकी लाइफ में आने लगा। आप एक नए घर में जाओगे, एक नई मोहब्बत आपको मिलेगी। मैं वैसे आगे और एनर्जी देखूंगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये कोई पुराना पर्सन है, बिकॉज एब्सोल्युटली न्यू लव एनर्जीज आपके स्प्रेड में आ रही है, न्यू लव। आगे भी मैं देखती हूँ फिर भी, वर्ल्ड माय गॉड, आपका शादी, आपकी जो शादी है वो किसी और कंट्री में भी हो सकती है, ये फॉरेन नेशनल हो सकते हैं, मे भी आपके अपनी कंट्री के ही हो, लेकिन मतलब सेटलमेंट बाहर की भी हो ना, ये वाला सेम भी हो सकता है। 2021 में किसी को कोई मिला था, 2021 ईयर में कुछ हुआ था, किसी से बातचीत हुई थी, तो ये वो भी हो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी टेन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, यू आर कम्प्लीटिंग द साइकिल। देखो टेन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, हैप्पी फैमिली के बस दो ही कार्ड हैं, वो दोनों आ चुके हैं। अब आपको पता नहीं इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि दुनिया की हर खुशी फैमिली की, फैमिली वाइज मेरी फैमिली में जो खुशियाँ हो सकती हैं कि सब मिलजुल के रहें, कोई किसी को तंग ना करें, हस्बैंड और वाइफ मिलजुल के रहें, बच्चे होने चाहिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, और ये सब चीज़ें, ओह माय गॉड, ट्रस्ट विद द रिलेशनशिप। हाँ, आपकी जो फैमिली है ना, फ्यूचर फैमिली, आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो गए, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनती, थ्री ऑफ अर्थ बहुत मेहनती इंसान है, हार्ड वर्किंग, हाई क्वालिटी वर्क करते हैं, इनके पास स्किल्स बहुत है, स्किलफुल है, बड़ा प्रोफेशनल है ना अपनी फील्ड में। ओके, मून साइकिक इंसाइट्स, मे बी यू नो दम, आपकी इंट्यूशन मे बी आपको डायरेक्ट कर रही है किसी चीज़ की तरफ, मे बी यू नो दिस पर्सन, ठीक है, और आप डरे नहीं। अगर आप किसी को जानते हैं और आप अपना वहाँ पर स्टेप लेने से डर रहे हो, तो डू नॉट हेजिटेट टू मूव फॉरवर्ड, ओके, डू नॉट हेजिटेट टू मूव फॉरवर्ड, ये ही आपकी क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, मंजिल आपकी आखिरी यही पर्सन है, मतलब लव लाइफ में, ठीक है। तो मे भी आपको ने ड्रीम में इनको कभी देखा हो, बिकॉज यहाँ पे हैं आप ड्रीम्स देख रहे हो आजकल काफ़ी किसी के बारे में। किंग ऑफ फायर, काफ़ी मोटिवेशनल है ये पर्सन, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है इसकी, एम्बिशियस है, एक्शन ओरिएंटेड है, लेजी बिल्कुल भी नहीं है, किंग ऑफ फायर इज़ नेवर अ लेजी पर्सन, नेवर नेवर, इसका काम ही एक्शन का है ही एक्शन का किंग। ओके माई ब्यूटिफुल बेबीज, किंग ऑफ एयर एंड एम्परर, ओ माई गॉड, योर मैन इज़ वेरी प्रोफेशनल। पाइल टू, आई डोंट नो आपका कितना एजुकेशन है, आई डोंट नो आप कितने स्किलफुल हो, मे बी आप खुद भी काफ़ी अच्छे खासे स्किल्ड, इंटेलिजेंट और अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके जो पर्सन है ना, दो किंग, बल्कि या दो किंग आ चुके हैं, किंग ऑफ एयर एंड किंग ऑफ फायर, इसका मतलब है आपका पर्सन एक तो कम्युनिकेशन में अच्छा है, कुछ लोगों के केस में
आपको जो सिविल सर्विसेज है ना, गवर्नमेंट जॉब, तो वो ये हो सकते हैं, या ये फॉरेन ऑफिस में हो सकता है काम करते हो, ठीक है, कोई एम्बेसडर, डिप्लोमेट, यहाँ या वहाँ कुछ और करते हो, इनका कनेक्शन, इनका बिजनेस बाहर की कंट्रीज से कुछ है, इनकी इनकम आती है कुछ बाहर की कंट्रीज से, या इन्होंने आई डोंट नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे नहीं पता, FDI है इनका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या आई डोंट नो, या ये रहते ही बाहर की कंट्री में है, कुछ इस टाइप की है एनर्जी, लीडरशिप स्किल्स हैं इनमें, ऑर्गेनाइज्ड है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ दिख रही है, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज एनर्जी, और काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन है, ये बात आप देख लेना, मतलब हर चीज़ इनको ऑर्गेनाइज्ड अच्छी लगती है, वार्डरोब सेट होना चाहिए, खाना बना होना चाहिए, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट है, बट ये ऐसा है, तो उसने लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स की है, डिसिप्लिन, सैटर्न का काफ़ी मुझे लग रहा है रोल, सैटर्न काफ़ी डोमिनेंट है, क्वीन ऑफ फायर, आप भी कम नहीं हो बाबा, बाबरे आप भी कम नहीं हो, किंग एंड क्वीन सेम सेम, फायर वाले फायर वाले व्हाट आई एम सेइंग, एनीवेज आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लेडी, गर्ल लेडी, हुएवर, आपको पता है कि कैसे अपने विंग्स को स्ट्रेच करके अपनी उड़ान खुद उड़नी है, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा आप भी अट्रैक्टिव हो अपने किंग के लिए, और वैसे ओवरऑल भी यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक आप में एलिमेंट है, आप अपना जो सेल्फ है ना, आप जैसे आप हो ना, आप उसी तरह अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, आप मतलब इस तरह को, ठीक है मैं ऐसी हूँ तो मैं हूँ, कर लो जो करना है, मैं नहीं चेंज होंगी, ये आपका बड़ा अच्छी चीज़ है, ओह माय गॉड, क्वीन, आर यू किडिंग मी नाउ, ओह माय गॉड, यूनिवर्स इज लिटरली किडिंग मी टुडे, देखो किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर, ओह माय गॉश, इतनी ज़्यादा रेजोनेशन, ओह माय गॉड, यू सी हियर, किंग एंड क्वीन सेम सेम, ये सोर्स के हैं, अगर आप दूसरे डेक्स पे देखें, मतलब जैसा वो है वैसे आप हो, जैसे आप हो वैसा वो है, सेम सेम अदर हाफ, ओह माय गॉड, अगर वो अट्रैक्टिव है आप उससे ज़्यादा, आप भी हो, अगर वो प्रोफेशनल है, वो पढ़ा लिखा है, वो स्किलफुल है, वो डिप्लोमेटिक डिप्लो मतलब बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन में, तो आप भी कम नहीं हो, आप भी उतनी ही हो, ठीक है, और आई थिंक ये कपल आप बहुत ही एक बहुत ही नायाब, बिल्कुल रेयर किस्म की ही मुझे एनर्जीज आ रहे हैं आज, तो पता नहीं क्या हो गया है, वाई सो क्लेम दिस रीडिंग, लिटरली क्लेम दिस रीडिंग, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आप पेश कर सकते हो, रीडिंग को लाइक करो ताकि और लोगों तक भी मैसेज ये पहुँचे जिनको ज़रूरत है, इस तरह यूट्यूब को अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब को हेल्प होता है और लोगों तक पहुँचाना, कुछ एल्गोरिदम इस तरह का है यूट्यूब का, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, तीसरा किंग आ चुका है भाई, अब आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सारे कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं, सारे कोर्ट, किंग्स क्वींस, ओह माय गॉड, आज तो कमाल हो गया, ये पर्सन अपनी लव लाइफ में भी पूरा है, ठीक है ना, यहाँ तक तो बात थी यहाँ पर इनके प्रोफेशनल होने की, ठीक है ना, एक्शन ओरिएंटेड होने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत में भी पूरा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना कि मेरे को प्यार नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर जो लोग ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं वो लव में थोड़ा यू नो इतना टाइम ही नहीं होता,
बट नहीं, इनका प्यार भी पूरा है, इनकी प्यार मोहब्बत भी पूरा है, और यू नो सिक्स ऑफ वाटर, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। और आई थिंक आपने इनके साथ पास्ट मेमोरीज, हो सकता है कोई हो आपकी, या आज जैसे आपके बर्थडे याद रखना, आपका एनिवर्सरी याद रखना, ये सब चीज़ें इसके टिप्स पे होती हैं, ठीक है। OMG, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ था ये आपका डे स्प्रेड, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। तो यस, ओके गाइस, फुल मून इन पाइसेस, ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। आप प्रैक्टिकल नहीं हो इतने, सॉरी टू से, अब अपनी भी सुन लें थोड़ी सी, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल हो गए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल होकर ज़िंदगी गुजारो, तो अपने करियर पे ध्यान दो, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके गाइस, दिस इज़ अ न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ये सारा जो गिफ्ट है पूरा जो आपको रीडिंग में बताया मैंने, ये यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है आपके हार्ड वर्क का। यूनिवर्स को पता है कि आपने कितना कुछ झेला है और आप कितने स्ट्रांग रहे हो अपनी करेक्टर में, तो ये सब वो चीज़ें पे ऑफ कर रहा है। ओके, एंड दिस इज एंड ऑफ अ टफ साइकिल, मुश्किलात ख़त्म है। फुल न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ फुल मून इन कैप्रिकॉर्न कमिंग, जो आपका दिसंबर जनवरी है ना, ओह माय गॉड, आपकी हर किस्म की तमाम मुश्किलात जो पीछे साइकिल चलता आ रहा था ना, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यू आंसर यू नीड अ कमिंग फुल मून इन जेमिनी, अभी जेमिनी सीजन अभी अभी ख़त्म हुआ है, बट स्टिल मैं आपको ये कहूँगी कि जो जो आपके गिले थे गॉड से, कमिंग जो आपका है ना कैप्रिकॉर्न सीज़न दिसंबर जनवरी, बस समझो ख़त्म ख़त्म। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी वी विल सी सम थिंग्स, सम उनके डिटेल्स। दिसंबर और जनवरी का महीना आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ओके गाइस, टॉरस एंड वर्गो, यूट्यूबर, हु नोज, ट्विन फ्लेम, मे बी ये पहले से मैरिड हो या इनके पहले कोई बच्चे वगैरह हो, लेकिन सबके लिए मैसेज नहीं है। ओके, ऑलराइट, मार्केट, सोशल मीडिया, थाईलैंड, गुड न्यूज़, एक मिनट, ओके, इट्स ओके नाउ, सेंसिटिव, डॉक्टर, अगेन डॉक्टर, दो दफ़ा डॉक्टर की वाइब है, पेरिस, जून, सॉफ्ट हैंड्स, पार्क में किसी हो सकते हैं मिले आप, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, फूडी है, फूड लवर, ऑनलाइन हो सकते हैं आप मिले हो एक दूसरे को, हॉलीडे टाइम मे बी आप कहीं छुट्टी गुजारने जाओ तो आपको ये मिले, हु नोज, हॉट, दिसंबर, ओ माय गॉड, आई जस्ट सेड दिसंबर, तो दिसंबर बहुत ज़रूरी है, ASCET के इनके नाम इनिशियल हो सकते हैं, 2222, क्लेम दिस रीडिंग, अफर्मेशन लिखे, एंजल नंबर लिखे नीचे 2222, एंड आप कोई भी अफर्मेशन लिखे, जैसे आई एम विद माय पार्टनर, आई एम विद माय फ्यूचर स्पाउस, आई क्लेम दिस पार्टनर, इफ़ यू वांट टू,
रीडिंग को लाइक कर सकते हैं आप ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। अप्रैल का महीना डॉटर फेयर कम्प्लेक्शन। ओके 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 बॉस ब्लैक कार जुलाई मंथ बैंक में काम करते हो सकते हैं सेम फील्ड। ओके गाइस नेम इनिशियल रह गए हैं, अगर आप जानना चाहें मैं कम नेम इनिशियल ले रही हूँ ताकि स्पेसिफिकेशन रहे आपकी कि ये कौन है। ओके ओके गाइस पी एस जी डी डब्ल्यू यू टी एच जे एन क्यू। ऑलराइट दैट वाज इट फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।